बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 में लिया गया था, जिसमें कुछ बच्चे फेल हो गए थे, वहीं कुछ बच्चे का एग्जाम नहीं हो पाया था, अर्थात एडमिट कार्ड नहीं आया था, तो इसके वजह से कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा देना पड़ा था। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि उनका एडमिट कार्ड आ चुका है और रूटिंग भी जारी किया जा चुका है, तो किस तरह से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर पर आना है। वहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर सर्च कर देना है, आपको जो हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं, यहाँ पे आपको सर्च क्या करना है, तो यहाँ पे माधव एनसीईआरटी क्लासेस जो आप अभी देख रहे हैं सेम यही बात आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो पहला वाले ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पहला वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने आइकन खोल के आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट में आप देख रहे हैं इंटर मैट्रिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको मैं देखिए यहाँ पे लाइव में आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, सहित रूटिंग आप जान सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर नीचे आना है, सारी जानकारी को आपको विस्तारपूर्वक दिया जा चुका है, इसे आसानी से आप सावधानीपूर्वक जरूर पढ़ लें और पढ़ने के बाद ही आप परीक्षा में बैठें, जिससे कि आपको बेहतर होगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, आपको इंटर कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा के लिए रूटिंग देखना है तो आपको इस वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इस वाले पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने रूटिंग निकल के आ जाएगा, आप रूटिंग यहाँ से देख पाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एडमिट कार्ड आपको बताऊंगा। देखिए ये विज्ञप्ति बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था, ये कोई किसी तरह की फेक या फिर कहीं से गलत नहीं है, तो यहाँ पे आपको विज्ञप्ति भी दिया जा चुका है, जिसके में जानकारी आपको महत्वपूर्ण दिया जा चुका है, जिससे सावधानीपूर्वक आप जरूर पढ़ लें। पढ़ने के बाद आपको सीधे यहाँ पे नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको यहाँ से करें एडमिट कार्ड डाउनलोड। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दिया जा चुका है, जैसे कि वे परीक्षार्थी जो परीक्षा में फेल हो गए थे एक या एक से अधिक विषय में, वहीं या कोई विद्यार्थी किसी स्कूल की लापरवाही की वजह से या किसी कारणवश वो परीक्षा नहीं दे पाए थे, तो उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया था, तो आज किया गया है जारी, ये विशेष परीक्षा है। इसके लिए आपको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आना है डाउनलोड लिंक, तो यहाँ पे क्लिक पर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक यहाँ पे लिंक खुलकर आएगा, जहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे क्या क्या जरूरी जानकारी आपको यानी कागजात लगेगा, इसकी जानकारी आप समझ लीजिए कि आपको यूजर नाम यहाँ पे लगेगा। यूजर नाम का मतलब होता है जो स्कूल के पास होता है वो, और यहाँ पे पासपोर्ट। यदि आपके पास स्कूल का यूजर नेम और पासपोर्ट है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यदि नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम एक स्कूल का यूजर नेम और पासपोर्ट डायल करते हैं और देखते हैं कैसे चेक करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक स्कूल का यूजर आईडी यहाँ पर दे चुके हैं, यूजर नेम और पासपोर्ट। यहाँ पर देखिए हमें भी मतलब ओरिजिनल पासपोर्ट मालूम नहीं है, जो पहले मालूम था वो पासपोर्ट